फ्रेंड्स, आज हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेम कल जो पढ़ाए थे उसी बेस पर बन जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में था, जब रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज करे तब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड जो है सो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है। इसका किसका वॉल्यूम हो रहा है क्यूब का, तो कहता है इसकी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। कितने समय में, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, कितने समय में, यानी टी पूछता है, टी के रिगार्डिंग में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होना है। ये बात क्लियर हो गया, हाउ फास्ट मतलब समय देना है। इसका मतलब हो गया कि हमें यदि बात करें डी बाय डी टी के रिगार्ड में होना है, और एक्स क्यू हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा यदि हमने भी इक्वल टू एक्स क्यू माना है, वॉल्यूम भी है और एक्स साइड है, तो इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स के रिगार्डिंग में। और ये एक्चुअली भी जो है सो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, भी के जगह पर क्या लिख देंगे, एट लिख देंगे। ये भी क्लियर करना होगा कि एट जो दिया हुआ है या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, इसलिए डी भी बाई, यानी कि आप कह सकते हैं कि डी भी बाई डी टी दिया हुआ है एट। अब इसके रिगार्डिंग में डी बाई डी टी एक्स क्यू इक्वल टू एट हो गया, तो अब इसका डेरिवेटिव 3x² डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू एट हो गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्स या डी एक्स कह सकते हो, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा भैया, 8/3x². नाउ लेट वाई बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दैट इज क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 6x² नहीं, सरफेस एरिया वाई मान लेते हैं, सरफेस एरिया है, और एक्स चूँकि एज है तो एक्स 6x². अब इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी के रिगार्डिंग में होना है, तो क्या हो जाएगा 6 × 2x हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यही होगा एरिया। अब ये क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12x डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए 12x इसको एक मान लीजिए यहाँ पर, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू बैठाइए यहाँ पर 8/3x², एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया 3 × 4 जा, यानी कि 32 ऊपर में और नीचे में एक्स, 32/x आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया के बारे में हम लोग नहीं कर रहे थे, वो स्क्वायर में होगा। अब एक्स यानी कि एज दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि डी वाई बाय डी टी ये दिया हुआ है कितना 12, एक्स इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो अब हमें निकल जाएगा 32/12, यानी कि 4 से यदि काट दें 4 × 3 जा और 4 × 8 जा 8/3 सेंटीमीटर। ये जो है सो इसके हिसाब से यह क्या हो जाएगा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस कितने समय से कितने फास्ट से यह इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया 8/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर से, यह क्या कर जाएगा, यह फास्ट इंक्रीजिंग करेगा सरफेस एरिया जब लेंथ ऑफ इज 12 सेंटीमीटर दिया हो तब। थैंक्स।